हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का आने वाला आरपीएससी एग्जाम है, उसके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चंस डाले। इसके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह से बनाया पेपर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ? तो इसके आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर क्लोजेट बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल डाई इन अप्रैल, इट इज वेट एंड फोगी, इट रिमाइंड्स यू ऑफ बेटर टाइम्स। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है, इट रिमाइंड्स यू ऑफ बेटर टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द वेस्टलैंड? आपको बताना है चार सेंट्रल करेक्टर में, चार में से एक, द सेलर, फिशर किंग, मैडम सोसोस्ट्रीज और टेरेशियस। तो इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? इसका आंसर है टेरेशियस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस इज नॉट रेफर्ड इन द बुरियल ऑफ द डेड? वेस्टलैंड का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, इसको बुरियल ऑफ द डेड में जिसका रेफरेंस नहीं दिया गया है, मैडम सोसोस्ट्रीज, ओनिशियन सेलर, बेलाडोना, द टाइपिस्ट गर्ल। इसका आंसर आपको बताया, इसका आंसर है द टाइपिस्ट गर्ल। टाइपिस्ट गर्ल जो थी वो बुरियल ऑफ डेड के अंदर नहीं थी। नेक्स्ट है, टू होम डज द नरेटर कॉल एट द एंड ऑफ द बुरियल ऑफ द डेड? बुरियल ऑफ द डेड जो पार्ट है वेस्टलैंड का, उसमें लास्ट में नरेटर किसको बुलाता है? द टाइपिस्ट को, स्वीनी को, सैटसन को या प्रूफोक को? तो इसका आंसर है सैटसन को। डिड्स सैटसन सपोजली पार्टिसिपेट इन? क्या सैटसन ने पार्टिसिपेट किया किसके अंदर? माइली के अंदर, बैटल ऑफ द बल्ग, द ट्रोजन वार, द बैटल ऑफ वाटरलू? तो इसका आंसर है माइली। होम डज आई स्टैंड इन द फॉलोइंग लाइन, टू कार्थेज देन आई केम? जो ये लाइन है, टू कार्थेज देन आई केम, इसमें आई किसके लिए है? तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताना है, एक बुद्धा के लिए, समरीना मर्चेंट के लिए, टायरेशियस के लिए या सेंट ऑगस्टीन के लिए? तो इसका आंसर है सेंट ऑगस्टीन। इलियट्स द वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन? इलियट की वेस्टलैंड किस पर बेस्ड है? द लीजेंड ऑफ फिशर किंग, मिथ ऑफ सिसिफस या दोनों, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड है, द कैंटरबरी टेल्स? तो आपको पता है इसका आंसर है दोनों, द लीजेंड ऑफ फिशर किंग, मिथ ऑफ सिसिफस। द सेक्शन ऑफ द पोइम द फायर सर्मन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन विच रिलीजन? तो देखिए, क्या वो क्रिश्चियनिटी से, जो ये फायर सर्मन है, ये इसने अपना नाम किस धर्म से लिया, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, क्या वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, या बुद्धिज्म से, या वो जूडिज्म से, या वो इस्लाम से? तो इसका आंसर आपको पता है बुद्धिज्म। द फायर सर्मन जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। T.S. Eliot has borrowed the term unreal city in first and last third section of, किससे उसने लिया है? बोल्डेयर से, इरविन बैबिट से, दांते से या लफोर्ग से? तो आपको पता है कि अनरियल सिटी जो था, ये इसने लिया था बोल्डेयर से। ए गेम ऑफ चेस रिमाइंड वन ऑफ द गेम ऑफ चेस इन, ए गेम ऑफ चेस है वो किससे लिया गया है? इसका आंसर है वुमन बीवर। इसका वो टाइपिंग मिस्टेक में इसके ऑप्शन निकल गए, सॉरी है, द बर्थडे पार्टी, पोर्ट्रेट ऑफ द ए सिटी, द चेयर्स, वुमन बीवर वुमन। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको, वुमन बीवर वुमन है। इलेवंथ क्वेश्चन है, हु इज थ्रोबिंग बिटवीन टू लाइफ्स? दो जिंदगियों के बीच में कौन है? फिलेबस, टाइपिस्ट, मिस्टर यूजेनियडिस या फिर हमारा टायरेशियस? तो आपको पता है टायरेशियस जो था वो दो जिंदगियों के बीच में जूझ रहा था। आंसर है टायरेशियस। द लाइन हेयर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, हेयर स्टैंड फॉर द लैंड ऑफ, यहाँ पे एक लाइन है कि हेयर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, यहाँ फाइन ही लाइन आएगा। तो इसका ये लाइन कौन किसकी लैंड के लिए बताई गई है, कि यहाँ पे कौन सी लैंड की बात हो रही है? थेबीज की, द फिशर किंग, सीरिया या माइले? इसका आंसर है द फिशर किंग। फिशर किंग की जो लैंड थी उसके लिए कहा गया था, हेयर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। हु इज द क्वेस्टर टू द इंग्लैंड टू द किंगडम ऑफ फिशर किंग इन सर्च ऑफ होली ग्रेल? सर पार्सिफल, द फिशर किंग, टायरेशियस या मैडम सोसोस्ट्रीज? तो इसका आंसर है
सर पार्सिफल. नेक्स्ट है, इन व्हाट द थंडर सेड अ फ्रेगमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइम इज मैंशनड. ये जो एक सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, इसके अंदर एक बच्चों की राइम, बच्चों की एक पोएम की राइम मेंशन है. कौन सी राइम है वो आपको बताना है. लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, प्लीज पटिंग हॉट, और रिंग और रंग और रॉसेस, या फेरे जैकस. तो इसके अंदर जो है वो है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. नेक्स्ट आपका है द वर्ड्स वर्ड दाता दया धवम और दमयता रेफरिंग, ए गेम ऑफ चेस, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, या बुरियल ऑफ द डेड. तो आपको बताने जो दाता दया धवम और दमयता था ये किसके लिए कहे गए थे, तो ये व्हाट द थंडर सेड में कहे गए थे. द ओपनिंग लाइन ऑफ ए गेम ऑफ चेस, द चेयर शी सेट इन लाइक अ बर्निश थ्रोन इज टेकन फ्रॉम. ये जो लाइन पहली लाइन है किससे ली गई है, एंटनी क्लियोपेट्रा से, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, द गोल्डन बो या क्रोम येलो. इसका आंसर है द गोल्डन बो से. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ है, इसका आंसर आएगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ना कि गोल्डन बो. गोल्डन बो गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी. इसका आंसर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. नेक्स्ट हमारा है इलियट बोरोड द नेम ऑफ मैडम सोसोस्ट्रीज फ्रॉम. इलियट ने मैडम सोसोस्ट्रीज का नाम किससे लिया था, मिल्टन लिसिडस से, डिकेंस ए टेल ऑफ सिटी, जॉर्ज ऑरवेल 1984, या अडोल्फ हक्सले क्रोम येलो. तो इसका आंसर है एल्डस हक्सले क्रोम येलो. नेक्स्ट है द लाइन ओ कीप द डॉग फार हैंस दैट इज फ्रेंड टू मैन इज अडोप्टेड फ्रॉम. ये लाइन किससे ली गई है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से, वेबस्टर्स के वाइट डेविल से, मिडिल्टन का वीमेन बीवेयर वीमेन, गोल्ड स्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड. तो इसका आंसर है वेबस्टर का द वाइट डेविल, इससे ये लाइन ली गई है ओ कीप द डॉग फार हैंस दैट इज फ्रेंड टू मैन. Who said that the theme of Wasteland is life in death? किसने कहा था कि theme of Wasteland है वो life in death है. John Keats ने कहा था, A. Richards ने कहा था, ये I. A. Richards है. Kenneth Brook ने कहा था, या फिर ये कहा था Wordsworth ने. तो इसका आंसर है Kenneth Brook ने ये कहा था the theme of Wasteland is life in death. Who said the Wasteland equivalent in contact to an epic, without this device 12 books would have been needed. किसने कहा था कि वेस्टलैंड जो है उसका जो कंटेंट है वो एक epic, एक महाकाव्य के बराबर, अगर इस डिवाइस का यूज ना करते तो जो 12 बुक थी वो एक इस एक पोइम को लिखने के लिए चाहिए थी. तो बताइए आपको किसने कहा था, आई ए रिचर्ड्स ने कहा था, एफ आर लेविस ने कहा था, लेगोइस ने कहा था, या ले हंट ने कहा था. तो इसका आंसर है आई अ रिचर्ड्स ने कहा था कि अगर ये वेस्टलैंड जो है अगर आपको इस पैटर्न से ना लिखते ना तो इसके लिए आपको 12 किताबें चाहिए थी. इन करेक्टर इलियट्स पोएम आर स्ट्रिक्टली कैसी हैं, रूरल हैं, कंट्री हैं, या अर्बन हैं, या फिर सबअर्बन हैं. तो देखिए वैसे तो यहीं से आंसर चल जाता है कि रूरल, कंट्री और सबअर्बन जो है ना ये सेम सी होती हैं. यहाँ पे आंसर है अर्बन, शहरी हैं. द बर्थडे पार्टी इज लेबल्ड एज कॉमेडी ऑफ मीनियक, कॉमेडी ऑफ वायलेंस, कॉमेडी ऑफ हॉरर, या कॉमेडी ऑफ साइलेंस. आपको बताना है बर्थडे पार्टी का क्वेश्चन कोई भी आए तो ये कॉमेडी ऑफ मीनियक थी. हु कॉइंड द टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्ड, किसने किया था, जॉन ऑसबर्न ने, अल्बर्ट कामस ने, सैमुअल बेकेट ने, या मार्टिन इसलिन ने. तो इसका आंसर है मार्टिन इसलिन. मार्टिन इसलिन ने यह टर्म कॉइंड की थी, बनाई, कॉइन मतलब बनाई थी थिएटर ऑफ एब्सर्ड. द सेटिंग ऑफ प्ले इज द बॉयल्स, ये जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, इसकी सेटिंग कहाँ की है, बॉयल के बेडरूम की, लिविंग रूम, एटिक की, या फिर उसके पार्च की. तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर है लिविंग रूम. बर्थडे पार्टी की जो सेटिंग है उसके लिविंग रूम की है. किस सेक्शन में प्ले, किस सीजन में ये प्ले प्लेस लेता है, स्प्रिंग में, समर में, विंटर में, फॉल में. इसका आंसर है समर में. समर में ये जो प्ले होता है द बर्थडे पार्टी. हु आर द इंट्रूडर इन बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के अंदर इंट्रूडर होते घुसपैठिए. घुसपैठिए कौन है, मकैन एंड मोंटी, गोल्डबर्ग एंड मकैन, मैग एंड स्टैनले, मैग एंड पैटी. देखिए अब यहाँ पे देखिए, मोंटी तो डॉक्टर जिसका सिर्फ जिक्र होता है, और मैग और स्टैनले तो ऑलरेडी है, और मैग और पैटी तो मकान मालिक है. तो यहाँ पे आंसर आएगा गोल्डबर्ग एंड मकैन.
वट इज पैटी रीडिंग एट द किचन टेबल इन एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में पैटी किचन टेबल पे क्या पढ़ रहा है, एक मैगजीन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है या एक नोट्स पढ़ रहा है? तो इसका आंसर है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। बट बीवरेज डज मैक केक टू स्टैनलीज रूम ईच मॉर्निंग। सुबह सुबह मैक क्या लेके जाती है, टी, कॉफ़ी, मिल्क या फिर ऑरेंज जूस? तो आपको बताना है, आपको पता है ना अंग्रेज हैं वो चाय पीते हैं, टी। हु इज डिस्टर्ब्ड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ टू विजिटर, दो विजिटर की आने की संभावना से कौन डिस्टर्ब हो जाता है, मैग, स्टैनले, पीट पैटे या फिर लुलू? तो देखिए मैग और पैटी, तो पैटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और लुलू को तो मकान भी नहीं है, बचा हुआ स्टैनले। आंसर है स्टैनले। वेयर डज पैटी मेट गोल्डबर्ग एंड मकैन? पैटी मेट और गोल्डबर्ग को कहाँ मिलता है? तो देखिए जब प्ले की स्टार्ट, प्ले के अंदर हमें पता चलता है कि ऑन द बीच मिलता है, एट द पियर मिलता है, इन द टाउन मिलता है या ऑन द रोड मिलता है। इसका आंसर है ऑन द बीच। ये बीच के ऊपर जो टेबल लगी होती है ना उनका केयर टेकर होता है ये, इसलिए ये बीच पर रहता है, इसलिए यहाँ पे बीच पर ही गोल्डबर्ग और मकैन को मिलता है। पैटी डिस्क्राइब अ स्ट्रेट शो एज, पैटी कहता है स्ट्रेट शो क्या कहता है, ए बैलेट, एन ओपेरा, अ म्यूजिकल, अ शो डाउन विद नो सिंगिंग एंड डांसिंग। तो इसका आंसर है ए शो विद नो सिंगिंग एंड डांसिंग, उसे वो स्ट्रेट शो कहता है। व्हाई लुलू नॉक्ड एट द डोर ऑफ बोर्डिंग हाउस, लुलू बोर्डिंग हाउस के गेट को क्यों खटखटाती है, टू डिलीवर मैग अ पार्सल, टू डिलीवर पैटे अ लेटर, टू डिलीवर स्टैनले अ पार्सल, टू इन्फॉर्म अबाउट द इंट्रूडर? इसका आंसर है टू डिलीवर स्टैनले अ पार्सल, सॉरी टू डिलीवर मैग अ पार्सल। गोल्डबर्ग रेमिनिसेंस अबाउट इन एक्ट फर्स्ट, गोल्डबर्ग एक्ट फर्स्ट में किसको बारे में ये बात करता है, फादर, मदर, इज आंट पैग, इज अंकल बार्नी? तो इसका आंसर है इज अंकल बार्नी। वट इज पैटीज जॉब, पैटी की जॉब क्या है, ड्राइवर है, बटलर है, डेक चेयर अटेंडेंट है या मैकेनिक है? तो इसका आंसर है डेक चेयर अटेंडेंट। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि पैटी का जो जॉब है वो डेक चेयर अटेंडेंट है, इसीलिए वो बीच पर जाता है जहाँ पर उसको मकैन और गोल्डबर्ग मिलते हैं। मकैन इज, मकैन क्या है, एक अंग्रेज है, आयरिश है, इटालियन है या फिर फ्रेंच है? तो इसका आंसर है आयरिश, मकैन एक आयरिश पर्सन है। वट डज सिंग फॉर मैक इन एक्ट सेकेंड, वो क्या कौन गाना गाता है एक्ट सेकंड में, आयरिश फोक सॉन्ग, एक रैप, एक ओपेरा या फिर एक हिम, एक भजन गाता है? तो इसका आंसर है एन आयरिश फोक सॉन्ग, क्योंकि वो जो आयरलैंड का, इसलिए आयरिश फोक सॉन्ग गाता है। वेयर डज स्टैनले किक द पर्सन ही डज नियर द एंड ऑफ एक्ट सेकंड, स्टैन एक्ट सेकंड के एंड में स्टैनले किस पर्सन को कहाँ पे मारता है, उसके आर्म पर, लेग पर, स्टमक पर या फिर उसके हेड पर? तो इसका आंसर है उसके स्टमक, उसके पेट के पास में मारता है। What does Stanley begin doing when he is caught in a comparing position with Lulu at the end of act? जब उसे लोग पकड़ते हैं उसमें Stanley क्या कर रहा होता है? Stanley screaming करने लग जाता है, रोने लग जाता है, giggling करने लग जाता है, running करने लग जाता है। तो इसका आंसर है वो giggling करने, हंसने लग जाता है। Who whistled the mountain of mom? ये कौन माउंटेन ऑफ मोन गाने को विस्लिंग में करता है, मकैन लुलू, मकैन स्टैनले, मकैन गोल्डबर्ग या मकैन मैग? तो इसका आंसर है मकैन एंड स्टैनले, ये लोग जो है माउंटेन ऑफ मोन को विसल करते हैं। हु इज द नेम ऑफ डॉक्टर, द डॉक्टर गोल्डबर्ग नो, उस डॉक्टर का क्या नाम था, ग्रेग था, विंसेंट था, सुसैन था या मोंटी था? तो ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि मोंटी एक डॉक्टर है जिसका सिर्फ जिक्र होता है, आता नहीं है वो। What is Stanley dressed in when he enters the in scene third? Scene third में जब Stanley आता है उसने क्या dress पहनी थी? White shirt, dark suit, jump suit या pajama? तो इसका आंसर है dark suit। उसने एक dark suit पहना होता है। What does McCann say Stanley is, which is odd for someone on his birthday? जिस दिन मकैनले का बर्थडे होता है उस दिन कोई वो उसको क्या कहता है, यंग कहता है, सिली कहता है, सैड कहता है, डिप्रेस्ड कहता है? तो देखिए वो उसको कहता है डिप्रेस। अब देखिए कोई भी ना बर्थडे के दिन उसको थोड़ा कहेगा तू डिप्रेस्ड है, परेशान है, दुखी है, तो वो कह देता है। व्हाट डज रेप लुलू, वो डज रेप लुलू एट द एंड ऑफ एक्ट सेकंड, एक्ट सेकंड में लुलू का रेप कौन करने लगता है, गोल्डबर्ग, स्टैनले, मकैन या पैटी? तो इसका आंसर है स्टैनले। What nickname does Goldberg tell him mother called him? Goldberg कहता है कि मेरी उसकी मम्मी उसको किस नाम से बुलाती थी, नेट, सिमे, स्टैन, जोय? तो इसका आंसर है सिमे, वो उसको सिमे कह के बुलाती थी। What causes Stanley to collapse? किसके कारण Stanley बेहोश हो जाता है? He laughs, he tries to speak, he is hit, he cries।
तो इसका आंसर है ही ट्राइज टू स्पीक, जब वो बोलने लगता है तो वो क्लैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वट डज पैटी गो टू चेक ऑन एट द एंड ऑफ एक्ट सेकेंड, एक्ट थर्ड के ऊपर पैटी जाके क्या चेक करता है, उसका गार्डन चेक करता है, उसका घर चेक करता है, अपनी वाइफ चेक करता है, अपना पालतू जानवर चेक करता है, तो इसका आंसर है वो अपना गार्डन चेक करता है। हाउ मैनी फीमेल करेक्टर आर इंट्रोड्यूस इन द बर्थडे पार्टी, इस बर्थडे पार्टी में कितने फीमेल करेक्टर हैं, तीन हैं, चार हैं, दो हैं या एक है? तो आपको पता है दो ही करेक्टर हैं, मैग और लुलू, ये दो मेल हैं और फीमेल जो हैं वो, तो दो ही करेक्टर हैं मैग और लुलू जो फीमेल हैं। हु इज द चीफ एजेंट ऑफ एंग्जाइटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजिशन इन बर्थडे पार्टी, सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला बंदा कौन है अपनी पोजिशन के कारण, स्टैनले, गोल्डबर्ग, मकैन या फिर मैक? तो इसका आंसर है गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग सीनियर है इसलिए वो ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है। द बर्थडे पार्टी स्टार्ट एंड एंड विद अ डायलॉग बिटवीन, स्टार्टिंग और एंड किसके बीच में होती है, स्टार्टिंग कौन करता है, पैट करता है, मैगी करती है, लुलू करता है, मोंटी करता है? तो देखिए तीनों में तीन तो है लुलू वाले, इसलिए आंसर आएगा पैटी और मैकडोनो, जब बैठे होते हैं इनके लिविंग रूम तो इनकी सेटिंग है वहीं पे बैठे बातें कर रहे होते हैं, इसी से पार्टी स्टार्ट होती है। विच मैगजीन कॉल्ड द बर्थडे पार्टी ए ग्रेट डिस्टर्बिंग प्ले, किस मैगजीन ने कहा था बर्थडे पार्टी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग प्ले है, गार्डियन ने कहा था, सनी टाइम्स ने कहा था, लंदन मैगजीन ने कहा था, टाइम्स ने कहा था? तो इसका आंसर है द गार्डियन, गार्डियन ने कहा था ये जो बर्थडे पार्टी है एक बड़ा डिस्टर्बिंग प्ले है। क्राई, अब मैंने क्वेश्चन कुछ डाले, क्राई द पीकॉक के, क्राई द पीकॉक इज ए हिस्टोरिकल नॉवल, साइकिक नॉवल, इथिकल नॉवल या रिलीजियस नॉवल? तो इसका आंसर है साइकिक नॉवल। इन क्राई द पीकॉक अनीता देसाई यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एपिस्टलरी, एपिस्टलरी होता है जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले जमाने में ये फॉर्म यूज होती थी कि एक एक हीरो एक लेटर लिखता था, उसका रिप्लाई कोई फ्रेंड करता था या हीरोइन करती थी, इस तरीके से चलता रहता था। तीसरा है मैजिक रियलिज्म, जैसे हैरी पॉटर वगैरह, और नन ऑफ द अबव, इसका आंसर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है, फ्लैशबैक टेक्निक होती है, हमें पीछे की बातों को बताया जाता है। माया के पेटो का नाम क्या था, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, सू, पैपी, टाइगर या फिर टोटो? इसका आंसर है टोटो। द टाइटल क्राई द पीकॉक इज सजेस्टिव ऑफ ऑफ, ये जो टाइटल हमें क्या बताता है कि मायाज प्रेडिकामेंट फॉर हर लवलेस मैरिज, गौतम्स प्रेडिकामेंट फॉर हर लवलेस मैरिज, लीलास क्राई ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नीलास लॉन्जिंग फॉर लव। तो देखिए इसमें मेन है माया, मायाज प्रेडिकामेंट फॉर हर लवलेस मैरिज, ये इसका आंसर है कि उस माया और जो गौतम की मैरिज थी ना उसके अंदर कोई कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक बॉन्डिंग थी शादी की। हु टेक्स अवे द कॉर्पस ऑफ डेड टोटो, वो जो टोटो मर जाता कुत्ता उसकी लाश कौन लेके जाता है, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और या पुलिस डिपार्टमेंट? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका आंसर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ना जैसे हमारी नगर परिषद वगैरह आती वो होते हैं PWD। डेथ ऑफ टोटो सिंबलाइज प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन लाइफ, आदमी की जिंदगी मौत है, ग्रीफ और सेपरेशन, जुदा होने का दुख, लव टुवर्ड पेट एनिमल, इमेच्योर डेथ ऑफ टोटो। तो ये जो हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन लाइफ कि हमारी जिंदगी में मौत उपस्थित है, ये टोटो की डेथ हमें बताती है। हु इज ग्रेटली हॉन्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी करने वाले की भविष्यवाणी से कौन बहुत ज्यादा हॉन्टेड होती है, उस किसको ये बात हमेशा याद रहती है, नीला को, माया को, मिसेज लीला को, गौतम को? इसका आंसर है माया, माया को ये बात हमेशा हॉन्ट करती रहती है, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। हु इज डिस्क्राइब एज द पेशेंट ऑफ फादर फिक्सेशन इन क्राई द पीकॉक, जैसे इसका एक नाम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी होता है, फादर फिक्सेशन का एक नाम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका जो थी वो मेन थी माया, माया जो थी वो फादर फिक्सेशन का शिकार थी। हु इज माया हस्बैंड, माया के हस्बैंड का नाम बताना है तो आपको पता है माया के हस्बैंड का नाम है गौतम। हु पैम्पर्ड माया दैट लाइफ इज ए फेरी टेल, किसने माया को बहुत ज्यादा पैम्पर किया, बहुत ज्यादा उसको बिगाड़ दिया ये कह कह कि लाइफ तो एक फेरी टेल है? तो ये जो बात थी ना ये उसके फादर्स को कहते थे क्योंकि वो एक रिच आदमी थे। हु प्रेडिक्टेड दैट आइदर माया और गौतम विल डाई आफ्टर 4 years देयर मैरिज, किसने ये बात की भविष्यवाणी की थी कि माया तो माया मर जाएगा या उसका हस्बैंड मर जाएगा उसकी शादी के 4 साल बाद?
तो एल्बिनो एल्बिनो जो है होते हैं वो, जिसे हम कह सकते हैं जिनके चेहरे पर बॉडी पर एल्बिनो होते हैं वो, इसका नाम दे रखा है एल्बिनो द मैजिशियन। वैसे एल्बिनो सूरजमुखी भी होते हैं, सूरजमुखी मतलब जिनको दिन में दिखाई देता है रात को दिखाई नहीं देता है वो लोग एल्बिनो होते हैं। और वैसे यहाँ जिनके चेहरे के ऊपर जो ना एक ये स्किन की डिजीज होती है एल्बिनो, जिनके अपने हिंदी में कहते हैं फुलहरी हो जाती है, वो होता है एल्बिनो। वेयर डिड द सिख पामिस्ट मेट विद माया एंड गौतम, वो जो सिख हाथ देखने वाला था हस्तरेखा विशेषज्ञ है वो माया और गौतम को कहाँ मिला था, नीला के घर पर, माया के घर पर, लाली के घर पर या रोड साइड स्टैंड पर, तो वो उसको लाल के घर पर मिला था, लाल के घर पर उसको मिला था। इसके बाद है हुई व्हाट इज द इमेज ऑफ डिटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक, इमेज ऑफ डिटैचमेंट क्या है, गौतम है, नीला है, माया है या अर्जुन है। तो देखिए ये जो है ना ये है गौतम, हमें नाम से पता चल रहा है गौतम बुद्ध डिटैचमेंट। हु एसोसिएटेड हरसेल्फ विद पीकॉक इन क्राई द पीकॉक, कौन अपने आप को पीकॉक से जोड़ लेती है, नीला, माया, मिसे लाल या नंद, इसका आंसर है माया, माया अपने आप को पीकॉक से जोड़ती है। व्हाट डज द वर्ड राधा कृष्ण रिफ्लेक्टेड फॉर माया, ये जो राधा कृष्ण शब्द है वो माया के लिए क्या है, रिचनेस ऑफ लक, सोलिट्यूड ऑफ टाइम, रियलिज्म ऑफ डेथ, ट्रूथ ऑफ लाइफ, इसका आंसर है सोल्टीट्यूड ऑफ डेथ। माया वांटेड टू विजिट ए प्लेस ऑफ साउथ टू सी, वो साउथ में क्यों जाना चाहती, दक्षिण भारत में क्यों जाना चाहती थी, एक बीच देखने, कथकली डांस देखने, हिस्टोरिकल पैलेस देखने या फिर नेचुरल पिक्चर देखने, तो इसका आंसर कथकली डांस, वो कथकली देखने के लिए साउथ में जाना चाहती थी। माया के ब्रदर का नाम क्या था, अर्जुन, भीम, कृष्ण या फिर करण, तो इसका आंसर है अर्जुन। हु बिलीव्ड इन क्राई द पीकॉक, किसको ये विश्वास था कि लव इज विदाउट एनी एंबिशन विदाउट एनी डिजायर, प्यार में कोई उम्मीद ना रखो, प्यार में कोई इच्छा ना रखो, माया का ही मानना था, गौतम का मानना था, नीला का मानना था, लीला का मानना था, तो इसका आंसर है गौतम का, गौतम आपको पता है डी अटैचमेंट वाला पर्सन था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, किसको टीबी की बीमारी थी, माया के हस्बैंड को, नीला के हस्बैंड को, लीला के हस्बैंड को या माया के फादर को, तो इसका आंसर है लीला के हस्बैंड को ही बीमारी थी। अर्जुन इन्वाइटेड माया एंड गौतम टू स्पेंड वैकेशन इट, अर्जुन ने माया और गौतम को छुट्टियां बिताने के लिए कहां बुलाया, न्यूयॉर्क, हांगकांग, पेरिस या फिर कोचीन, अर्जुन रहता था यूएस में, उसने न्यूयॉर्क में बुलाया था। मोहम्मद एंड धोबी सन हरी आर फ्रेंड ऑफ, ये मोहम्मद और धोबी का बेटा हरी किसके दोस्त है, अर्जुन के, गौतम के, माया के या पोम के, तो इसका आंसर है अर्जुन के, वो अर्जुन के दोस्त हैं। हु स्टार्टेड टू टीच पर्शियन टू यंग गर्ल्स, किसने छोटी बच्चियों को फारसी भाषा सिखाना शुरू कर दिया, लीला ने, माया ने, नीला ने या फिर मिसेज लाल ने, तो इसका आंसर है लीला, लीला ने बच्चों को फारसी भाषा सिखाना शुरू कर दिया। मीनिंग फॉर पिया पिया साउंड ऑफ पीकॉक, जो मोर की पिया पिया साउंड है उसका क्या मतलब है, लवर, लेम, हस्बैंड या फिर पपाया, इसका आंसर है लवर, पिया पिया का, पिया का मतलब है प्रेमी, लवर। डांस ऑफ पीकॉक क्या सिंबलाइज करता है, ग्रीफ, डेथ, ब्यूटी या फिर हैप्पीनेस, दुख, मौत, सुंदरता या खुशी, तो इसका आंसर है डेथ, मौत। इन द नॉवल माया इज कंपेयर टू पीकॉक, टोटो, योगी या फिर प्रीस्ट, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना जहाँ से मैंने पढ़ा था क्वेश्चन का आंसर मुझे भी लगा तो नहीं पर ऑथेंटिक यही है कि माया को ना योगी से कंपेयर किया गया, आयरनी है ना, नाम माया और काम योगी वाला। कॉज ऑफ माया डेथ वॉज एक्सीडेंट, सुसाइड, डिजीज या फिर मर्डर, तो आपको पता है माया ने सुसाइड की थी, आत्महत्या। हु डज नॉट डाई इन क्राई द पीकॉक, देखो गौतम मर जाता है, माया मर जाती है, माया की सास मर जाती है, नीला नहीं मरती है, जो इसकी ननंद है वो नीला, इसका आंसर है। हु कमेंटेड क्राई द पीकॉक इज प्रोडक्टेड ऑफ मेलोड क्राफ्ट्स वुमेन, किसने ये लाइन कही थी, तो बताइए स्टेट्समैन ने, गार्जियन ने, हिंदू ने या फिर टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट ने, इसका आंसर है स्टेट्समैन, स्टेटमेंट जो कि यूएस का अखबार है उसने ये बात कही थी कि ये जो एक मेलोड क्राफ्ट्समैन का प्रोडक्ट है। कौन सा अनिता देसाई का नोवेल नहीं, बाय बाय, वेयर शैल वी गो समर,
बॉमगार्नटर डॉट बॉम्बे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है ना ये आर के नारायणन का लिखा हुआ है, बाकी तीनों जो है वो नीता देसाई के लिखे हुए हैं। ए शिफ्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल इज सिमिलर टू मेटाफोरिकल, इसे अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जब आप इनफॉर्मल बोलते बोलते अचानक फॉर्मल बन जाते हैं, कोड स्विचिंग, कोड ट्रांसफॉर्मेशन, कोड मिक्सिंग या फिर कोड यूजिंग, तो इसका आंसर है कोड स्विचिंग, इसे हम कहेंगे कोड स्विचिंग। स्विचिंग इज लैंग्वेज वेराइटी इन कन्वर्सेशन, यूज ऑफ टिपिकल लैंग्वेज, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज इन ए पर्टिकुलर सेटिंग या मिक्सिंग ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। स्विचिंग क्या है, तो इसका आंसर है स्विचिंग है लैंग्वेज वेराइटी इन कन्वर्सेशन, बोलते बोलते आप अचानक हिंदी से इंग्लिश में आ जाते हैं, दैट इज स्विचिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ। द टर्म पिजिन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू लैंग्वेज मॉर्फीम ओनली, टू लैंग्वेज सिस्टम बोथ ए एंड बी एंड टू सोसाइटी, तो जो पिजिन है इसका मतलब है टू लैंग्वेज मॉर्फीम ओनली। जर्गन, जर्गन इज ए लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका होती है जो हमारी मेन भाषा होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड सिंपल एंड फॉर्मल, तो ये जो होती है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड जर्गन ये होती है, जैसे अपने शॉपकीपर से कपड़े लेने जाते हैं तो शॉपकीपर अपनी कोड लैंग्वेज में बात करता है, वो होती जर्गन, या कोई वकील है वो अपनी वो बोलता है मुवक्किल, और वो अलग अलग से शब्द बोलते हैं ना जो टिपिकल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्गन। द टर्म कोड इज यूज इन प्लेस ऑफ स्पीच वेराइटी लैंग्वेज डायलैक्ट ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जो कोड है वो स्पीच वेराइटी लैंग्वेज डायलैक्ट तीनों में यूज किया जाता है। कोड मिक्सिंग किस पर, जो इम्फेसाइज करती है फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर है बोथ एंड बी, वो फॉर्मल एस्पेक्ट्स और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर बात करती है, क्योंकि कोड मिक्सिंग कब होगी, जब आपके अंदर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होगी और आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझोगे। विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये ट्रू है भैया, When pidgin they became lingua franca they are called carol, जो pidgin होती है जब वो lingua franca बन जाती है तब हम उसे carol कहते हैं। Mixed language जो कि code switching के situation से पैदा होती है, mixed language different from carol language, या there are few name for specific mixed language or fuselects, ये इनमें से बाकी सब तो सही है कि जब जब पिजिन लिंगुआ फ्रैंका बन जाती है उसे हम कैरोल कहने लग जाते हैं, और मिक्स लैंग्वेज जो है वो सिचुएशनल कोड स्विचिंग से पैदा होती है, पर ये वाला गलत है, देयर आर फ्यू नेम फॉर स्पेसिफिक मिक्स लैंग्वेज और फ्यूजलेक्ट्स, ये आंसर गलत है। कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग ऑफ कोड मे अकर इफ स्पीकर शेयर मोर देन वन लैंग्वेज, अगर स्पीकर की एक से ज्यादा लैंग्वेज है, स्पीकर की कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है ए एंड बी और नन ऑफ द अबव, तो कोड स्विचिंग कब होगी, जब स्पीकर एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलता है। अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को अगर इंग्लिश बोलनी आती तभी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, वरना कैसे बोलूंगा। कोड स्विचिंग एंड मिक्सिंग प्रूव यूजफुल इन डायरी राइटिंग, रिपोर्टिंग, ऐसे राइटिंग या एडवर्टाइजमेंट, ये किसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कोड स्विचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है जमैकियन कोरोल, कैरोल इज बेस्ड इन जमैकियन कोरोल, किसे बेस्ड है, इंग्लिश पे, फ्रेंच पे, जर्मन पे, जापानीज पे, तो इसका आंसर है इंग्लिश, क्योंकि पहले जमैका जाए वेस्ट इंडीज जो था वो इंग्लैंड के अंडर में था, इसलिए वहां पर जमैकियन का रोल चलने लग गई। डिप्थोंग इज प्योर वावल, टू वावल साउंड, वावल ग्लिड या मोनोफोंग, तो इसका आंसर है वावल ग्लाइड, डिप्थोंग क्या वावल ग्लाइड है, प्योर वावल आर डिप्थोंग, मोनोफोंग, कंसोनेंट्स या फिर नन, प्योर वावल कौन से हैं, प्योर वावल है मोनोफोंग, लॉन्ग वावल आर कितने, लॉन्ग वावल हमारी लैंग्वेज में 8, 5, 7 या फिर 13, तो इसका आंसर है 13, लॉन्ग वावल 13 है। सेमी वावल आर LOR, JW, JV या फिर WV, तो आपको बताना सेमी वावल कौन से हैं, JW। द एब्रीवेशन IPA, IPA क्या है, इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन, इंडियन पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये है IPA। बाइलेबियल नेजल साउंड इज PBM या फिर N, आंसर है M, बाइलेबियल M। टुमारो का आप कन्वर्ट कीजिए, हो सकता है देखिए इनमें चारों में से कौन सा आपको लगता है टुमारो का है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसका आंसर है सेकंड।
पोलाइट का इसका आंसर है फर्स्ट, अवार्ड का फोर्थ, एक वर्ड किसका मेड अप होता है, एक सिलेबल, टू सिलेबल, मोर देन वन और वन और मोर, इसका आंसर है मोर देन वन सिलेबल, एक वर्ड मोर देन वन सिलेबल से बना होता है। सिलेबल का मतलब होता है एक, जैसे ये एक सिलेबल है, सिलेबल का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है यूनियन ऑफ थ्री वावल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ वावल साउंड विद अ कंसोनेंट बिफोर और आफ्टर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ये वाला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, सिलेबल वर्ड का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि या तो एक वावल साउंड से बना होता है जिसके आगे पीछे नीचे कोई कंसोनेंट हो। ऑप्शनल एलिमेंट सिलेबल में क्या है, वावल, कंसोनेंट, बोथ या फिर नन, इसका आंसर है कंसोनेंट, ऑप्शनल है। स्ट्रेस इज मार्क्ड इन आईपीए बाय रेज वर्टिकल लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल, किस सिलेबल से पहले, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर फ्रेंड या फिर नन, आंसर है प्राइमरी। प्राइमरी जो स्ट्रेस होता है वो एक रेज वर्टिकल लाइन जैसे डैश वगैरह लगाकर दिखाते हैं। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा स्ट्रेस मार्क के, जैसे ये आया ब्यूटीफुल, तो इसमें स्ट्रेस आपको पता है कहां पर आएगा बताओ आप, इसमें स्ट्रेस सेकंड पर आया, जो पहला वावल आया उसके ऊपर स्ट्रेस आया। इस पर आप देखिए इंजीनियर का स्ट्रेस आपको बताना है, फोर्थ वाला। बायोग्राफी में आपको स्ट्रेस बताना है कहां पर आएगा, फर्स्ट वाला। तो अब इसमें आपको स्ट्रेस मार्क बताना है किस पर आएगा, जूलॉजी में। आपको देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, इसका आंसर है थर्ड वाला। इसमें आपको बताना है डेमोक्रेसी में स्ट्रेस मार्क किस पर आएगा, फोर्थ वाले पर। उस इन्फेंट का नाम आपको बताना है जिसके ऊपर जॉन बी वाटसन ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल नेल, लूल जॉन, लिटिल एल्बर्ट या फिर लिटिल जेनी, इसका आंसर है लिटिल एल्बर्ट। लिटिल एल्बर्ट वो बच्चा था जिसके ऊपर जेबी वाटसन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंटल और फिजिकल ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, सब प्रकार का डेवलपमेंट कहाँ से आता है, स्पेसिफिक टू जर्नल, जर्नल टू स्पेसिफिक, ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है जर्नल टू स्पेसिफिक। मेंटल हो या फिजिकल हो, सब प्रकार का डेवलपमेंट जर्नल से स्पेसिफिक आता है। विच इज राइट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट फॉलो ऑर्डरली सिक्वेंस, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट इज हारमोनियस एंड कोऑर्डिनेटेड, ऑल ऑफ द अबव, तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें से ये सभी के सभी सही हैं, डेवलपमेंट कंटिन्यूस भी होता है, ये ऑर्डरली सिक्वेंस भी होता है, हारमोनियस भी होता है और कोऑर्डिनेटेड भी होता है। एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्स अंडर, जो हम समस्या समाधान की हमारी क्षमता किसके अंदर आती है, फिजिकल के अंदर, मेंटल के अंदर, इमोशनल के अंदर या सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो देखिए ये जो है ये हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, छोटे बच्चा प्रॉब्लम को कम सुलझा पाता है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है उसका मेंटल डेवलप होता है और वो प्रॉब्लम सुलझाता है। डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट टू मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स फॉल्स अंडर, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो अपोजिट सेक्स से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल या मेंटल या फिर सोशल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है इमोशनल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट सही नहीं होता। सोशल इंटरेस्ट इज या आर, सोशल इंटरेस्ट क्या है, कन्वर्सेशन, सेलिब्रेशन, पार्टी, टी या ऑल ऑफ द अबव, सोशल इंटरेस्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। इम्प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड डिससेटिस्फाइड नीड्स में टर्न एंड एडोलसेंट टू, जो उसकी कल्पना है वो गलत दिशा में चली जाती है और उसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है उससे एडोलसेंट क्या हो जाता है, डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, दोनों करने लग जाता है, कुछ भी नहीं करता, तो इसका आंसर है डे ड्रीमिंग, वो दिन में सपने देखने लग जाता है। हीरो वर्शिप किस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, चाइल्डहुड के अंदर, एडोलसेंस के अंदर, एडल्टहुड के अंदर या फिर ऑल ऑफ द अबव,
तो हीरो वर्शिप होती है वो एडोलसेंस युवावस्था में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। ए चाइल्ड इज बोर्न विद, वो कुछ क्वालिटीज के साथ पैदा होता है, ईगो के साथ, इननेट ड्राइव या नन। चाइल्ड किसके साथ पैदा होता है? देखिए चाइल्ड जो है वो इननेट ड्राइव के साथ पैदा होता है। बच्चे को पैदा होते ही भूख लगने लग जाती है, उसको डर लगता है, ये इननेट है, जन्मजात है हमारे अंदर। द रिजल्ट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इन ए चाइल्ड इज, अगर बच्चे के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, इमैच्योरिटी है सॉरी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पेन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल या एंगर। अगर बच्चा इमोशनली इमैच्योर है तो उसका क्या होगा? उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, कुंठा की भावना होगी। हेरिडिटी हैड ए मार्केट इन्फ्लुएंस, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेरिडिटी के अंदर मार्केट इन्फ्लुएंस है, वैटसन ने, न्यूमैन ने, शिरले ने या फिर स्किनर ने? इसका आंसर है न्यूमैन ने। चाइल्ड लर्न लेसन ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम, बच्चा एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना कहाँ से सीखता है? स्कूल से, फ्रेंड से, फैमिली से या पीयर ग्रुप से? तो इसका आंसर है स्कूल। स्कूल जो है बच्चे को एडजस्टमेंट करना सबसे ज्यादा सिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल डेवलपमेंट एसेंशियल फैक्टर फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे? पियाजे के अनुसार इमोशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी फैक्टर नहीं है। एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, कॉम्बिनेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसका आंसर है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल फैक्टर नहीं है, बाकी सब एसेंशियल फैक्टर है। फिजिकल चेंज इन ए चाइल्ड अफेक्ट टू लार्ज एक्सटेंट ऑन हिज और हर, जब बच्चे के अंदर फिजिकल चेंज आने लगते हैं तो उसका इंटरेस्ट में, वर्क में, बिहेवियर में किस में इफेक्ट ज़्यादा आता है? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर बच्चे के फिजिकल चेंज समाज के अकॉर्डिंग नहीं होते तो फिर इन सब में उसका फर्क आने लग जाता है। द ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर इज, सबसे ज़्यादा क्या है? नॉलेज ऑफ सोशल एनिमल, इन्वायरमेंट, कल्चरल एक्सपीरियंस, लैक ऑफ इमेजिनरी पावर, हाई मेंटल एबिलिटी। तो इसका आंसर है लैक ऑफ इमेजिनरी पावर। चेंज इन ह्यूमन सैक्रामेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी विच कैन बी अडोप्टेड एंड दोज विच कैन बी अडोप्टेड एंड दोज विच आर नॉट इम्पोज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो हमारी कॉम्पिटेंस की जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, हमारी क्षमता है, उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, ये जो ये चेंज किया जा सकता है, ये अडोप्ट किया जा सकता है या इसको इम्पोज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ट्रायर्स ने, स्ट्रेयर्स ने, गैने ने या फिर मैग्रो ने? इसका आंसर है गैने। गैने ने ये बात कही थी कि भैया चेंज इन ह्यूमन सैक्रामेंट वाली लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, कौन सा नहीं है? एक्टिव मेंबर ऑफ पीयर ग्रुप, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स, हाई डिग्री इन फ्रेंडली रिलेशनशिप या फिर एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट? देखिए इनमें से कौन सा एडोलसेंस का सोशल डेवलपमेंट का करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसका आंसर है हाई डिग्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। जब हम दोस्त यंग एज में होते हैं तो हम ज़्यादा दोस्त बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स टेक थ्रू फोर इंपॉर्टेंट स्टेज, चार स्टेजेस में होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताना है आपको पहली स्टेज क्या है? ये प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कंसेप्ट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटल या फिर ये चार स्टेज आपके सामने आ गई हैं। आपको इनमें बताना है कि कौन सी स्टेज जो है वो सही स्टेज है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, सेंसरी मोटर, ऑप्शनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चार स्टेज जो हैं ये हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इन चार स्टेजेस से होता है। वो स्टेज जहाँ पे चाइल्ड इज अनअवेयर दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सीन इट स्टिल एग्जिस्ट इज कॉल्ड, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चे को पता नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है वो फिर भी है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल? तो इसका आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, जो उसमें बच्चे को पता नहीं, बच्चे के सामने कोई चीज रखो और इधर कर लो तो बच्चे को लगता है वो चीज गायब हो गई। विच अफेक्ट डज नॉट मैच विद एडोलसेंस, एडोलसेंस में नॉन सीरियसनेस फॉर स्टडी, ग्रेटर फैकल्टी इन अब्स्ट्रक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल थॉट, ग्रेटर पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड वाइडर मेमरी स्पैन, इंटरेस्ट इन रीडिंग, इनमें से कौन सा एडोलसेंस के साथ नहीं आता है? नॉन सीरियस अबाउट स्टडी, देखिए एडोलसेंस जो होता है वो सीरियस होता है। इन विच स्टेज टीचिंग ऑफ काउंसलिंग इन चाइल्ड इज वेरी अटैक्ट एक्टिव, किस स्टेज में बच्चे को काउंसलिंग देनी चाहिए? एडोलसेंस, प्री चाइल्डहुड, चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड? इसका आंसर है एडोलसेंस। एडोलसेंस में बच्चे को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट्स एडोलसेंस, किस स्टेज में
कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, संज्ञान विकास स्टार्ट होता है, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। अब पियाजे कहता है कि एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये किसका लॉ है? सिफेडोकार्डियल का, इंडिविजुअल डिफरेंस का, फेज डेवलपमेंट का या फिर प्रोक्सी मोडिस्टियल का? तो इसका आंसर है प्रोक्सी मोडिस्टियल में जो जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल एक्सिस से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होता है। डायरेक्शनल टेंडेंसी इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन एज प्रोसीडिंग फ्रॉम हेड टू टेल, आउटवर्ड इनवर्ड, जनरल टू स्पेसिफिक। ये चारों आएंगे, हेड टू टेल, इनवर्ड, आउटवर्ड, जनरल टू स्पेसिफिक, हेड टू टेल, टेल टू हेड, इनवर्ड, आउटवर्ड, जनरल टू स्पेसिफिक, हेड टू टेल, इनवर्ड, आउटवर्ड, स्पेसिफिक टू जनरल। इसका आंसर है हेड टू टेल, इनवर्ड, आउटवर्ड, जनरल टू स्पेसिफिक। ह्यूमन डेवलपमेंट इन द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर या सोशल एंड मोटिवेशनल फैक्टर। ह्यूमन डेवलपमेंट किसके कारण हुआ था? तो इसका आंसर है जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उसके कारण हमारा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, कल्चर। इसका आंसर है इन्वायरमेंट, जो इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उससे हमारा विकास होता है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग बोथ हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट चार्जेस, चेंजेस, मोटर फंक्शन, क्वांटिटेटिव चेंजेस। इसका आंसर है डेवलपमेंट चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट? इट इज क्वांटिटेटिव, इट स्टॉप एट पर्टिकुलर एज, इट्स कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट रेफर टू एनी वन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट। इसका आंसर है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा सतत चलता रहता है, विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। डेवलपमेंट चेंजेस अकर बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंट्रैक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। डेवलपमेंट किसके कारण होता है? इसका आंसर है इंट्रैक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैच्योरेशन मीन्स, मैच्योरेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इन मैन, डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू अनफोल्डिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक इनकॉर्पोरेटेड इन जीन्स, बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, हेरिडिटिक करेक्टर ऑफ मैन। इनमें से किसका मतलब मैच्योरेशन है? तो इसका आंसर है डेवलपमेंट विच इज रिलेटेड टू अनफोल्डिंग ऑफ करेक्टर्स इन कॉर्पोरेटेड इन जीन्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योरेशन? डायरेक्ट शनल टेंडेंसी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीक्वेंस, इंक्रीजिंग स्पेसिफिकिटी ऑफ बिहेवियर, यूनिफॉर्मिटी इन रेट। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्मिटी इन रेट, ये जो है मैच्योरेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर अकर व्हेन मैच्योरेशन इज रिन्यूड बाय लर्निंग, हेरिडिटी, प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लर्निंग। जब हम लर्निंग करते हैं तो फिर हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर सबसे ज़्यादा आगे आता है। ट्रेनिंग इज एडवांस टू मैच्योरेशन इज रिलेटिविटी एडवांटेजेस, रिलेटिविटी फ्यूटाइल, रिलेटिवली हार्मफुल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रिलेटिवली फ्यूटाइल। ट्रेनिंग इज एडवांस टू मैच्योरेशन। मैच्योरेशन हेल्प इन लर्निंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, डे ड्रीम। मैच्योरेशन किसमें मदद करता है? लर्निंग के अंदर मदद करता है। मैच्योरेशन इज एन इननेटली गवर्नड सीक्वेंस ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इवेंट्स। इज एन इननेटली गवर्नड सीक्वेंस ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स, कैन बी एक्सेलरेटेड और इम्पीडेड टू द बाय द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका आंसर है इन मैच्योरेशन इज एन इनेटली गवर्न्ड सीक्वेंस ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट कैन बी ऑल्टर्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स। मैच्योरेशन जो है वो इनेटली गवर्न्ड अपने आप होता है जो हमारे फिजिकल चेंजेस है और जिसे कि एनवायरमेंटल इवेंट जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी कोई बच्चा है अगर उसके साथ कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो जाए तो वो जल्दी मैच्योर हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर एनवायरमेंट इवेंट आते हैं जो उसको मैच्योरेशन पैटर्न को ऑल्टर कर देते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बॉय मैच्योर फास्टर देन गर्ल। लड़के ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, लड़कियाँ मैच्योर होती हैं, ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि लड़के कम मैच्योर होते हैं। इसका आंसर है जो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं। एक फर्टिलाइज ओवम को हम क्या कहते हैं? फीटस, एम्ब्रियो, जायगोट या फिर इन्फेंट। तो ये थोड़ा सा जायगोट कहते हैं इसको। द हेरिडिटी फैक्टर अज्यूम टू एग्जिस्ट विद इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड एटम
प्रोटियोरेज मॉलिक्यूल जीन्स, जो हेरिडिटी फैक्टर हैं, जो हमारे क्रोमोसोम में से हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीन्स। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हेरिडिटी क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम, फिजिस डिजीज डिटरमिनेंट क्रोमोसोम, कलर क्रोमोसोम। 33rd पेयर को हम कहते हैं सेक्स डिटरमिनेंट। ये 33rd वाला होता है ना, ये तय करता है लड़का होगा या लड़की होगी। वन ऑफ 23rd क्रोमोसोम इन गैमेट विच इज ऑफ स्पेसिफिक सिग्नेंस इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, ओवम, ऑटोसोम, स्पर्म। सेक्स क्रोमोसोम, 23rd क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है जिसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक्स और वाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, ब्रेन सेल या फिर ह्यूमन। तो इसका आंसर है मेल गैमेट। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो 150 क्वेश्चंस का मेरा ये मॉक टेस्ट है कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा हो जरूर बताना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।